As per Indian government's Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Earth, this coastal cleaning project was completed successfully in last year on 16 September. Description box में मैं last year की playlist डाल रही हूँ, आप सारे वीडियो जरूर देखना. Now the same appeal for 2023. Now we all have again gathered here as green saviors of Kolshet Creek with the same objective to create mass awareness for environmental protection and conservation, especially to implement coastal cleaning campaign at Kolshet Creek, Thane. Earnest request to the viewers to join this movement on 16 September. Good morning. Today we are at Kolshet Creek. What a beautiful creek here, nicely maintained. But we have to keep it totally cleared of trash around. So let's have a round here and do the needful on 16 September this year, which coincides with the International Coast Cleaning Day. Thank you. को यही अपील है, आइए हमें ज्वाइन कीजिए और यहाँ की क्रीक को जो है खाड़ी को हम प्लास्टिक मुक्त करें. हेलो ठाणेकर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. हम लोग ये साल भी क्रीक क्लीनिंग का कैंपेन ले रहे हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है ये कैंपेन को आप ज्वाइन कीजिए और हमारी खाड़ी स्वच्छ करने में अवेयरनेस में इस एक्टिविटी में और सपोर्ट कीजिए. अगर हम लास्ट ईयर का क्लीनिंग प्रोजेक्ट कंपेयर करेंगे तो खुशी की बात है कि ये साल लास्ट ईयर से कम कचरा दिखाई दे रहा है, स्पेशली प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि प्लास्टिक के अलावा बाकी का कचरा डीके होकर ज़मीन में घुल मिल जाता है. लेकिन फिर भी टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए ये नज़ारा अच्छा नहीं लगता. हमारा सागर हमारी संपत्ति है, इसे प्रदूषित करने से हमारे साथ फिश की प्रजातियाँ भी डेंजर में हैं. पृथ्वी के सारे सजीवों को मारने के जिम्मेदार हम मानव ही होंगे, तो ये प्रदूषण की गलती को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है. इसलिए सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, वॉलंटियर्स यहाँ एक साथ हाथ बटाते हैं. Cleanliness drives away diseases and epidemics, so it is a key to bring health and prosperity to our country. चलो यहाँ पर आकर वादा करते हैं कि हर हाल में हम समुद्र किनारे और पब्लिक प्लेसेस को साफ रखेंगे, हमारा भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे. डिसिप्लिन, टूरिज्म एंड इकोनॉमी, ये रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे इसका महत्व सबको समझाएंगे. नमस्कार, मी हिराकांत जनार्दन भोईर. आई एकवीरा मातेचा उदय असो. आपल्या स्वच्छता खाडी अभियानाच्या अंतर्गत जो एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, तर मी समस्त ठाणेकरांना, कोळी बांधवांना विनंती करतो की त्यांनी 16 सप्टेंबरला खाडी स्वच्छता मोहिमेसाठी सहभाग घ्यावा. या 8:30 वेळी हा इथे आम्ही उपक्रम राबवणार आहे. सर्वांना विनंती करतो त्यांनी आपल्या बंधू भगिनींना घेऊन या चांगल्या उपक्रमाला हातभार लावा. आज यहाँ पर उल्हास कारले, मृषाद वोरा, विशाल शिंदे, हिराकान भोईर, नरेंद्र भानुशाली, ये माननीय व्यक्ति भी उपस्थित थे और हमें दो पर्यावरण प्रेमी बच्चे भी मिले. आम्ही सर्व या स्वच्छ करण्याच्या प्रोजेक्ट मध्ये येऊ. मी हार्दिक शेलके. या खाडीला सुंदर ठेवण्यामध्ये आम्ही सर्व सहभागी होऊ. मी सर्वांना विनंती करतो की आम्ही कोलशेत खाडीजवळ आता उभे आहोत, एक उपक्रम आणि पर्यावरण विरोध करण्याकरता इथे उभे आहोत. आम्हाला सगळ्यांची, सगळ्यांनी हेल्प करावी, आदर्श करावा, त्याच्याकरता आम्ही हा उपक्रम चालू केला आहे. 16 सप्टेंबरला आम्ही सगळ्यांना इन्व्हाइट करतो की त्यांनी तिकडे आम्हा इकडे जमावं आणि आम्हाला हातभार लावा.